चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। सूता होए सो जागियो, जागा बैठा हो। सूता होए सो जागियो, जागा बैठा हो। बैठा ठाड़ा होयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। बैठा ठाड़ा होयो, ठाड़ा पाँव भरे आगे सोए। पाँव भरे आगे सोए, पाँव भरे आगे सोए। पाँव भरे आगे सोए, पाँव भरे आगे सोए। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं। महामति श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदा साक्षिरूपं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तन्नमः। परमादरणीय संत गुरुजन, हम एक साथ चलने वाले सभी 12 सुंदर साथ और इस घर के सभी परिवार के सदस्य और आप सभी धर्म प्राण सुंदर साथ जी, माताएं बहनें, पहले तो इस परिवार में घटी हुई, अचानक घटी हुई घटना को याद करते हुए उनको अनंत श्रद्धांजलि, उनको अनंत भावांजलि। और एक सत्य बात मैं आपको बताऊं, एक पुराना घर छोड़ के नए घर में जाते समय दुख नहीं, आनंद का अनुभव होता है। प्रणामी धर्म में एक बहुत अच्छी बात क्या है कि हम परमधाम से संसार में आए, वापस परमधाम लौट करके जाएंगे। मृत्यु तो हमारे यहाँ है ही नहीं। मृत्यु तो इसलिए अनुभव हम करते हैं, हमें अज्ञानता होती है, अनजान है हम, इसलिए शरीर के छूटने से मृत्यु का आभास होता है। लेकिन ये तो घर लौटने का एक तरीका है, कोई कैसे लौटता है, कोई कैसे लौटता है। और धर्मों में हम देखते हैं मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई, लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत प्यारा सा शब्द है, जो शब्द आप सभी जानते हैं, धाम गमन। और जब संसार में आए थे तो आगमन, परमधाम से हमारा आगमन हुआ, हमारा यहाँ से वापस धाम गमन हो जाता है। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि व्यक्ति का जो शरीर हमारे बीच था वो नहीं है अब, उसकी यादें ही यादें रह जाती है। तो इसी यादों के विषय में मैं आपको बताऊं, आज हम प्राणनाथ जी का 400 साल का याद बना रहे हैं, उनका याद। प्राणनाथ जी को भी धरती पर आए 400 साल हो गए, उनके याद में भी हम ये रथ यात्रा निकाल करके उनको निरंतर याद कर रहे हैं, प्रतिपल प्रतिक्षण याद कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने एक शब्द कहा है अपने ग्रंथ में, उन्होंने कहा कि ये नहीं समझना, ये भिक्षुको, ये तथागतो, आप लोग ये नहीं समझना कि मैं अंतिम बुद्ध हूं, मेरे से पहले हजारों बुद्ध आ चुके हैं, मेरे बाद भी हजारों बुद्ध आएंगे, लेकिन जो बुद्ध तुम्हें ज्ञान देने के बाद उस बुद्ध के ज्ञान में तुम्हें पूर्णता आ जाए तो सोचो कि वही तुम्हारा अंतिम बुद्ध है। बहुत गहरी बात है समझने वाले लोगों के लिए। जिस बुद्ध के मिलने के बाद तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि एकाग्र हो जाए, स्थिर हो जाए, टिक जाए, कहीं भटके नहीं, तो तुम्हारे लिए वही अंतिम बुद्ध है। इसलिए हमारे यहाँ पे मान्यता है श्री प्राणनाथ जी साक्षात ज्ञान के अवतार हैं, बुद्धि के अवतार हैं।
और श्री प्रामना जी का ज्ञान भरा पड़ा है वाणी के अंदर। वाणी की एक भी चौपाई आप उठा करके पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आनंद अनुभूति होती है। तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस एक साल के अंदर श्री प्राणनाथ जी का कैसे हम व्यापक प्रचार करें, उनके ज्ञान का कैसे व्यापक प्रचार करें। उनका ज्ञान तो ऐसा अद्भुत ज्ञान है, जो एक बार उस ज्ञान में रम जाता है तो और चीजें उसको पसंद नहीं आती है। वही वाणी पढ़ें, वही स्वाध्याय करें, बार बार वाणी की चौपाइयों का अनुभव करें, इसी में उसका मन लगा रहता है। आज जो घटनाएं घटी इस संसार की परिपाटी आना जाना तो चलते रहे, गुरुजनों ने कहा, लेकिन सभी को जाना तो है। इस विषय में जब राजा परीक्षित को पता चला कि मैं 7 दिन में जाने वाला हूँ तो काफी चिंतित हुए, घर छोड़कर चले गए। अब सभी को पता है तो उस बीच में क्या होता है, जब सदगुरु सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है तो यही बात है कि मुझे 7 दिन में जाना है तो क्या होगा, क्या करना चाहिए, किस प्रकार से जाएं। तो सुखदेव जी ने एक ही बात कही, परीक्षित सभी को जाना है, कोई आगे जाते हैं कोई पीछे जाते हैं, जाना तो सभी को है लेकिन तुमको पता चला इसलिए तुम दुखी हो, इन लोगों को पता नहीं इसलिए सब आनंदित है, इतना ही फेर है, सभी को जाना है। बहुत बड़ी बात की, तुमको पता चला इसलिए आयोजन कर रहे हो और इन लोगों को पता नहीं है इसलिए अपनी मस्ती में ही कहा। तो अनादि काल से जो परंपरा चल इसको तो हम तोड़ नहीं सकते हैं। गुरु जी ने बहुत सुंदर कहा कि धाम गमन हम कहां गए, यह शरीर हमारा गिर गया, ढल गया, लुढ़क गया, लेकिन कहां गए, धाम में गए, राज्य के पास में गए। और कोई अपने घर को जाता है यात्रा करके, घूम करके, थक करके जब घर आ जाते हैं तो बड़ी शांति मिलती है। इसी प्रकार से उन दिव्य आत्माओं को जब घूम करके जब अपने प्रियतम के पास में, धनी के पास में जाना होता है, सभी को जाना है, जाना वही है, लेकिन कोई पहला जाता है, कोई पीछे से जाता है, तो इसमें आप सभी चिंतित ना हो। और राजी से यही प्रार्थना करें हैं धनी कि उनकी आत्मा को चिर शांति आपे, सुख दें और हमेशा हमेशा अपने चरण में रखें। तो यही प्रार्थना करना चाहिए, चिंता करने से कुछ भी आपको उपलब्धि नहीं होगी, उल्टा अपने ही दुखी होंगे और जाने वाले को क्यों हम दुखी करेंगे। इसके साथ साथ में राजी महाराज आप सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। लगभग 50 जगह हम लोगों ने शोभा यात्रा निकाली और इसी क्रम में कल 3 जगह कार्यक्रम करके हम लोग अब दूसरा ये पार्ट, दूसरा ये चरण जागनी रथ यात्रा का पूरा करके हरिद्वार में रथ रखने के लिए जा रहे हैं। फिर दिसंबर में हम लोग शुरू करेंगे। तो जाते जाते यहाँ से कुरुक्षेत्र से यमुना नगर होकर के हम जाते हैं तो इस घर की और यहाँ के सुंदर साहब का स्मरण हुआ। फिर मैंने फोन लगाया तो मुझे पता लगा कि घर में कुछ शोक की घड़ी भी चल रही है, घर के चाचा जी जिनका अधम गमन हुआ, इस हिसाब से मुझे पता लगा। फिर वे इस संसार के अंतर्गत जाने वाले चले जाते हैं, रहने वाले को मन मजबूत बना करके रहना पड़ता है। संसार की लीला ही ऐसी है कि जो कोई आता है वह दुनिया छोड़कर एक न एक दिन चला जाएगा, कोई आगे कोई पीछे, ऐसा तो होता ही है। प्रभु ने किसको कितना श्वास दे रखा है और पूर्व जन्म की कमाई से कौन कितना श्वास लेने के लिए संसार में आया है, जब उतने श्वास पूरे हो जाते हैं फिर वो दुनिया से चला जाता है, कोई ना कोई घटना बन पड़ती है और संसार से जाना पड़ता है। पर रहने वालों को मन को दृढ़ बना करके, मन को मजबूत बना करके रहना पड़ता है, क्योंकि ये संसार तो हम लोगों को आगे चलाना है और अपने व्यवस्था को, व्यवहार को, व्यापार को, परिवार को आगे संचालन करके ले जाना, ये सृष्टि से ये नियम चला आ रहा है और ये नियम आगे भी चलता रहेगा। तो
उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने दो दिन प्रार्थनाएं की और प्राणनाथ जी का चतुर्थ शताब्दी का ये मेला तो पूरे साल भर हमारा चलता रहेगा और हमारे तीन पुरियों में नवतनपुरी में तो कार्यक्रम हो चुका है, महामंगलपुरी में मार्च के महीने में 25 से लेकर के 31 तारीख तक 400 पारायण के साथ महामहोत्सव होगा और पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में शरद पूनम के अवसर पर कार्यक्रम होगा। हम लोग दिल्ली में पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज की अध्यक्षता में सितंबर 18 से लेकर के 22 सितंबर तक पंच दिवसीय 400 पारायण के साथ महामति प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी मना रहे हैं। दिल्ली में पंजाबी बाग में हम लोगों ने जगह भी बुक करा ली है, वहाँ 5 दिन का एक भव्य मेला दिल्ली में लगेगा और वहाँ भारत के सारे प्रांत और विदेशों से भी कुछ सुंदर साथ आएंगे, ऐसी आशा हम लोग रखते हैं। तो इस संसार के अंतर्गत मनुष्य के जीवन में कर्म भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, भक्ति भी चाहिए। कर्म इसलिए करना है कि परमात्मा ने जन्म दिया, हाथ पांव देकर के भेजा, इसलिए कुछ ना कुछ कर्म हमें किए चलना है। कर्म हमारे साथ चलता रहेगा, परमात्र कर्म करना जीवन का पुरुषार्थ नहीं है। कर्म के साथ साथ हमारे जीवन में ज्ञान भी होना चाहिए। जब ज्ञान होता है तो हम पक्का हो जाते हैं, दृढ़ हो जाते हैं और हर परिस्थिति में भी अपने आप को संभाल सकते हैं। ज्ञान की कमी आती है तो कभी कभी हम लोग क्या हो जाते हैं, अधीर भी हो जाते हैं। उस समय हमसे ऐसा लगता है कि क्या है, देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग ज्ञान का अभाव होता है ना, बच्चे लोग एग्जाम में फेल हो जाते हैं ना, तो कैसे वो लोग अनेक चीज सोच लेते हैं ना, सुसाइड के लिए भी सोच लेते हैं बच्चे लोग, क्योंकि उनका पास ज्ञान का अभाव है। अगली बार कोशिश करेंगे, अच्छे नंबर से पास करेंगे, ऐसा मन मजबूत होना चाहिए। मन कमजोर है तो व्यापारी व्यापार करते हुए कभी नुकसान होता है तो परेशान हो जाता है ना, पागल होने की नौबत आती है। ज्ञान है तो टिक जाएगा, आगे फिर कमाएंगे, जिंदगी बहुत पड़ी है। ऐसे ही आप देखिए नेता लोग राजनीति करते हैं, जब इलेक्शन में हार जाते हैं वे लोग भी सोचते हैं क्या होगा कैसे होगा, पर फिर इलेक्शन लड़ो फिर जीतो, ज्ञान होगा तो भविष्य हमेशा मजबूत रहेगा, आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहेगा। और कर्म तो है, ज्ञान है, भक्ति भी हमारे जीवन में हो ताकि परमात्मा की पूजा हम करते रहें, जीवन में शांति का अनुभव करते रहें, जीवन में सद्भाव का अनुभव करते रहें। क्योंकि आज संसार में लोगों के मन में शांति नहीं है ना, जरा सी घटना हुई तो लोग कितना अशांत हो जाते हैं ना, पर मन में शांति है तो वो संसार में सुख से जी सकता है। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज ने कहा सुख से ही कल करूं संसार, मन में शांति कहां से आएगी। प्राणनाथ जी कहते मेरे वाणी का पाठ करो, मेरे वाणी के आश्रय में आ जाओ और मेरे वाणी के अनुरूप जीवन जीने की कला सीखो। अगर ऐसा हम लोगों ने सीखा तो कहीं ना कहीं मन में शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। ऐसे तो संसार में आप देखिए प्रभु को पाने के लिए लोग क्या क्या उद्यम कर रहे हैं, आप उनके मंदिरों में जाकर के देखिए, पाठ हो रहा है, पूजा कर रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, नारियल बधार रहे हैं, सब प्रभु परमात्मा को पाने के लिए और मन में शांति पाने के लिए अनेक उद्यम कर रहे हैं। हमें तो बड़ा सरल उद्यम हमारे गुरुओं ने दिया कि घर में बैठ करके जो भोजन बनता है वही भोग धराए, शाम सवेरे हम लोग पूजा करें और हम लोग कपड़े बदलते हैं, ऐसे श्रृंगार हम लोग बदल दें और परमात्मा को याद करते हुए अच्छी कमाई करें, अच्छा धंधा करें, लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, प्रेम का और सद्भाव का व्यवहार रखें, किसी से द्वेष न करें, कभी क्लेश न करें जीवन में, सदा जीवन को हंसी खुशी के साथ परमात्मा का प्रसाद समझ करके, ये जीवन हमने पाया है प्रभु परमात्मा का प्रसाद है। देखिए परमात्मा ने हमारे ऊपर कैसी कृपा की, हम जानते भी नहीं थे, हमने जन्म भी नहीं लिया था, परमात्मा ने जन्म लेने का मौका दिया ना हमें,
माता पिता को माध्यम बना करके संसार देखने का मौका भी प्रभु ने दिया, संसार दिखाया भी उन्होंने, सुंदर सुंदर आंखें दी जिससे हम संसार देख सकते हैं, यहाँ के पहाड़ पर्वत नदी नाले हर परिस्थिति को हम देख सकते हैं, और फिर ये संसार में हम विचरण भी कर सकते हैं। जीवन जीने का मौका परमात्मा ने दिया, कोई लंबा जीवन जीता है, कोई कोई कुछ कम जीता है, पर कम से कम संसार में जन्म लेने का, संसार देखने का और संसार का अनुभव करने का, अब संसार बनाने वाले का भी अनुभव करने का, जिसने हमें रचा उसका भी हम अनुभव कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग उस तरफ फिराएं तो ये सृष्टि किसने रचे और सृष्टि रच करके हमें उसने भेजा, ये भी कितनी बड़ी बात है कि हमें भी एक जीवन जीने का मौका उस परब्रह्म परमात्मा ने दिया। तो ऐसे परब्रह्म परमात्मा को याद करते रहना, क्योंकि दुनिया में तो धन्यवाद करने से बात खत्म हो जाती है, पर प्रभु धन्यवाद के पात्र नहीं है, प्रभु तो केवल याद याद करते रहना, यही परमात्मा के लिए सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए हम सुबह उठ करके याद करें, भोजन करने से पहले उनको याद करें, यात्रा करने से पहले उनको याद करें, व्यापार करने से पहले उनको याद करें, और शाम को सोने से पहले उनको याद करें, बस वो खुश हो जाएंगे कि हे परमात्मा आपने हमें दुनिया में एक इस तरह से एक सुंदर साथ के रूप में आपने हमें खड़ा किया है, हम आपको याद कर रहे हैं। इसके लिए प्रार्थनाएं की जाती है, निज नाम का जाप होता है, मेर सागर का पाठ होता है या पारायण का पाठ होता है, ये सब अपने धनी प्रियतम परमात्मा को याद करने की विधि है। तो आप सब याद कर ही रहे हैं, आगे भी याद करते रहें, और प्रार्थना चतुर शताब्दी बहुत सबका ये मंगलमय बेला मंगलमय दिन में आप सब लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, सभी का जीवन मंगलमय हो। महामती का यही विचार, सुख शीतल करो संसार, प्राणनाथ जी का यही कथन, पसरसी चौदह भवन, प्राणनाथ जी का कहना मानो, पहले आप पहचानो, प्राणनाथ जी हैं अति उदार, तुम सेवा से पाओगे पार, प्रणाम। चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं, चतुर्थ शताब्दी मनाएं, जागनी ज्योति जलाएं, महामती श्री प्राणनाथ का ज्ञान सर्वत्र फैलाएं, वाणी सर्वत्र गाएं।